दोस्तों एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साध लिया और बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। किस सवाल पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, वो सवाल भी बड़ा दिलचस्प है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब क्या इनसे जुड़े लोकोक्तियों और मुहावरों पर भी GST लगेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जय श्री कृष्णा, जन्माष्टमी के ठीक एक महीने पहले भाजपा सरकार ने दूध दही छाछ पर GST लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या अब दूध का जला छाछ को भी, दूध का दूध दूधो नहाओ दही जमाना जैसे लोकोक्तियों मुहावरों पर भी GST देना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया तो लोगों ने इस ट्वीट पर अब जमकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग तो सरकार ने जो GST लगाई है उसको लेकर विरोध करते नजर आए। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला था। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा था कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शॉर्पनर, LED, इलाज, सफर सब पर GST की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर GST का एक नया भाव अर्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। GST बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। पहले खाने की चीज़ों पर कोई GST नहीं लगता था और सरकार के इस फैसले पर हर तरफ नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकार के इस फैसले का विरोध पूरा विपक्ष कर रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर जनता परेशान हो रही है। एक और ट्वीट करते हुए कहा गया कि महंगाई नहीं बढ़ी है, आपकी सहने की क्षमता बढ़ गई है, इसके लिए कोई टॉनिक तो ज़रूर मिलता है। एक यूज़र कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी शब्द भी बैन हो जाए तो देश की आधी समस्या हल हो जाए। दोस्तों 2012 से पहले तो बीजेपी सरकार महंगाई को लेकर बहुत बड़े बड़े भाषण देती थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार सरकार में आई है तब से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता परेशान हो रही है। दोस्तों इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को अपनों में शेयर करिए और पॉलिटिकल और सच्ची खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।